तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा नोटबंदी के मसले को लेकर के, नोटबंदी को काला अध्याय बताया, राजनीति के इतिहास का, आज के इतिहास का काला अध्याय बताया मायावती ने नोटबंदी को। बीजेपी की नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए ये पीसी की है, ऐसा मायावती का कहना है। और बहुमत के अहंकार में केंद्र डूबा हुआ है, ये मायावती ने कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया। तो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की नोटबंदी की मुहिम पर सवाल उठाए, बीजेपी को निशाने पर लेते हुए बीजेपी को अहंकारी बता डाला और पीएम मोदी को भी निशाने पर लेते हुए गरीब विरोधी बताया। तो मायावती हमलावर, हावी होती भी नोटबंदी के मसले पर केंद्र पर। तो बीजेपी की नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मायावती का कहना है बहुमत के अहंकार में केंद्र डूब गया है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये नोटबंदी की पहल की गई। बीजेपी को मायावती ने गरीब विरोधी बताया, जमकर हमला बोला बीजेपी पर और नोटबंदी के मसले को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की, जनता तक ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये नीतियां सिर्फ ढकोसला है और इसका निहितार्थ सिर्फ इतना है कि बीजेपी जनता को ठग रही है, ऐसा मायावती का कहना है। मायावती के मुताबिक कि बिना तैयारी के मोदी ने नोटबंदी का फैसला लिया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसीलिए की है ताकि जो बीजेपी की गलत नीतियां हैं। अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनांक 27 दिसंबर सन 2016 को इनसे ये उम्मीद भी की थी, जिसे उजागर करने के लिए बीजेपी के लोग अभी तक भी अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और यदि केंद्र सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी से इन सभी मामलों में अमल कर लिया जाता है तो फिर यही इनकी इस नव वर्ष में देश हित की असली व सच्ची शुभकामना भी होगी। लेकिन अभी हाल ही में गत वर्ष दिनांक 31 दिसंबर को, यानी कि 31 दिसंबर सन 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के नाम पर दिए गए संबोधन से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये देश की जनता की इन सभी उम्मीदों को पूरा करने वाले हैं। जबकि उस दिन पूरे देश के, खासकर यानी कि 31 दिसंबर को, जबकि उस दिन पूरे देश के खासकर गरीब, मजदूर, किसान व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग इनसे ये उम्मीद करके चल रहे थे कि वे उनके हित व कल्याण के लिए कुछ न कुछ ठोस व बुनियादी फैसले लेने का जरूर ऐलान करेंगे। और इस मामले में खासकर देश के छोटे व सीमांत किसान जो ये सोचकर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में ही उनकी कर्ज माफी का व उन्हें अन्य और जरूरी सुविधाएं देने का भी जरूर ऐलान करेंगे, इसी प्रकार उस दिन देश के गरीब लोग भी ये सोचकर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने देश में ही इकट्ठा किए गए काले धन में से हर गरीब के खाते में 15 व 20 लाख रुपए भेजने की भी घोषणा जरूर करेंगे। साथ ही गरीब बेघर लोग भी ये मानकर चल रहे थे कि वह उत्तर प्रदेश में बीएसपी की रही सरकार के तर्ज पर ही चलकर पूरे देश में अपनी केंद्र की सरकार की ओर से इन्हें 2 कमरों के पक्के फ्री मकान बनाकर देने की भी घोषणा जरूर करेंगे। इन्हीं लोगों की तरह देश में नोटबंदी से परेशान चल रहे छोटे कारोबारी लोग भी इनसे कुछ राहत मिलने की उम्मीदें कर रहे थे, लेकिन इनके पूरे संबोधन को सुनने के बाद उस दिन फिर अंत में इन सभी लोगों को अपनी इन सब उम्मीदों को लेकर अधिकांश निराशा ही मिली है। इसके अलावा कल लखनऊ में हुई बीजेपी की रैली में, जिसमें पूर्व की तरह ही अधिकांश इनके टिकटार्थी वे भाड़े के लोग ही इकट्ठा हुए थे,
जिसमें लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी यह भीड़ इनकी उम्मीद के हिसाब से इकट्ठा नहीं हुई थी, अर्थात बहुत कम ही भीड़ इकट्ठा हुई थी। अपनी ऐसी पिटी व असफल हुई रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल जो कुछ भी बोला है तो वह घुमा फिराकर पूर्ण रूप से अपने लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी पर से वह बिना पूरी तैयारी के ही लिए गए अपने नोटबंदी के फैसले आदि पर से ही अपनी कमियों व विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने वाला ही इनका ये पूरा सफाई देने वाला भाषण था, जो ये पूरे तौर से उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को ही ध्यान में रखकर केंद्रित रहा है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने से ठीक पहले गत वर्ष के आखिरी दिन दिनांक 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम पर दिए गए संबोधन में जो भी घोषणाएं आदि की हैं, तो ये सब केवल इनकी जबरदस्ती की खाना पूर्ति करने वाली ही नाम मात्र की मामूली सी ही घोषणाएं थी। और वैसे भी यदि इस मामले में जनता के प्रति इनकी नीयत साफ होती तो फिर यही कार्य ठीक यहाँ चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले नहीं बल्कि लगभग 1.5-2 साल पहले ही घोषित किए जा सकते थे, जो अब तक पूरे भी हो जाते। इसलिए इनके गत वर्ष 31 दिसंबर सन 2016 को घोषित किए गए फैसले इनके अब तक के अनुभवों को ध्यान में रखकर ये अधिकांश इस चुनाव के बाद इनके लोकसभा चुनावी वायदों की तरह ही गायब हो जाएंगे। तो मायावती निशाना साधते हुए बीजेपी पर, नोटबंदी के मसले पर मायावती ने जमकर घेरा बीजेपी को, एक के बाद एक आरोपों के बाढ़ छोड़े, क्योंकि कल पीएम मोदी ने जो लखनऊ में जनसभा की थी उस दौरान मायावती बीएसपी पर लूट खसोट की राजनीति करने का आरोप लगाया था, प्रदेशवासियों को लूटने का आरोप लगाया था। उस पर पलटवार करते हुए मायावती ने नोटबंदी को एक फेल मुहिम बताया और पीएम मोदी के द्वारा किया गया जनता से एक छलावा बताया। माया ने कहा कि सरकार ने नोटबंदी का कदम जल्दबाजी में उठाया था और लोगों को यमराज बनकर लोगों का पीछा ना करें यमराज बता डाला सरकार को, पीएम मोदी को। आम जनता अपने पैसे के लिए लाचार है, हालांकि आपका काफी हद तक हालात सुधरे हैं, लेकिन जिस समय की मायावती बात कर रही है उस दौरान लंबी लंबी कतारें देखी जा रही थी हर एटीएम पर, हर बैंक पर। नोटबंदी काला अध्याय के रूप में दर्ज होगा, ऐसा मायावती ने कहा है। मायावती ने नोटबंदी को काला अध्याय बताया और बीजेपी की नीतियों को अभिशाप बताया जनता के लिए, देश के लिए। नोटबंदी से सिर्फ और सिर्फ अमीरों का भला हुआ, ऐसा मायावती ने कहा। उम्मीद है कि लोगों के खाते में 15 लाख रुपए अब तो आ जाएंगे, क्योंकि नोटबंदी से काफी सारा काला धन रिकवर किया गया है, ऐसा मायावती का कहना है। तो मायावती ने लगातार कई सारे बाढ़ छोड़े बीजेपी के ऊपर और तमाम आरोपों का जवाब दिया जो बीजेपी ने, पीएम मोदी ने अपनी रैली के दौरान मायावती पर लगाए थे, बीएसपी पर लगाए थे। बहुमत के अहंकार में केंद्र सरकार डूब गई है, ऐसा मायावती ने कहा और बीजेपी को गरीब विरोधी तक कह डाला। बिना तैयारी के नोटबंदी का फैसला लिया, मायावती ने ये बयान दिया लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और मायावती ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की ही इसलिए है ताकि वो बीजेपी की गलत नीतियों का पर्दाफाश कर सकें, क्योंकि ईमानदार लोगों के लिए जो नोटबंदी थी वो अभिशाप बन गई और आम जनता अपने पैसे के लिए लाचार हो गई। बीजेपी के दावों को झूठा बताया मायावती ने, और उसके अलावा जो अच्छे दिन के आसार बहुत कम दिख रहे हैं ये भी मायावती ने पीएम मोदी के उस नारे पर कहा, सबका साथ सबका विकास और अच्छे दिन आएंगे, जब 2014 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने परचम लहराया था, बहुमत से, ऐतिहासिक बहुमत से विजय हासिल की थी, उसके बाद अच्छे दिनों का जो सपना है और अच्छे दिनों का जो नारा है उस पर लेकर के तमाम सियासी दलों के नेताओं ने लगातार सरकार को घेरा है। और मायावती ने एक बार फिर से अच्छे दिन के जो नारा है, अच्छे दिन का पीएम मोदी का, उसको लेकर के निशाना साधा और जनता को एक बार एहसास दिलाने की कोशिश की कि आपने गलत निर्णय लिया, गलत व्यक्ति को सत्ता में बिठाया, ऐसा मायावती का कहना है। मायावती के मुताबिक केंद्र जो है वो अहंकार में डूब चुकी है,
और गरीब विरोधी है। तो मायावती ने कई वार किए केंद्र के ऊपर, एक के बाद एक कई आरोप लगाए और माया ने कहा कि नए वर्ष में आशा करते हैं कि पीएम मोदी को सद्बुद्धि आए और देश में समृद्धि। मायावती ने नोटबंदी के मसले को पर लगातार केंद्र सरकार को घेरा, पीएम मोदी पर आरोप लगाए कि जो फैसला लिया गया वो जल्दबाजी में लिया गया, उसके अलावा तैयारियां जो थी वो नाकाफी थी, लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा और उन लंबी कतारों में सिर्फ वो लोग लगे थे जो लोग गरीब थे, मध्यम वर्गीय थे, न कि उच्च वर्गीय लोगों को इतना कष्ट झेलना पड़ा क्योंकि उनके नोट तो आसानी से अंदर खाने से बदल रहे थे, ऐसा मायावती ने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को निशाने पर लेते हुए। हालांकि उम्मीद की जा रही थी जो प्रदेश में सियासी घटनाक्रम है उस बीच में मायावती की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी को निशाने पर लेते हुए और कल के आरोपों पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी के उन आरोपों पर जिसमें पीएम मोदी ने मायावती को, मायावती की पार्टी को, बीएसपी को लूट खसोट कर जनता को त्रस्त करने का आरोप लगाया, तो उसके जवाब में मायावती ने कहा कि बीजेपी गरीब विरोधी पार्टी है और हम पर आरोप लगते हैं। इसके अलावा मायावती ने नोटबंदी, खासतौर पर नोटबंदी के मसले पर केंद्र सरकार को लगातार घेरा और केंद्र सरकार के इस फैसले को, या कहें कि क्योंकि ये फैसला पीएम मोदी का था तो पीएम मुख्य तौर पर पीएम मोदी का था तो उसको उस फैसले की वजह से यमराज बताया केंद्र को, पीएम मोदी को, और कहा कि यमराज की तरह लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं आप, नोटबंदी को काला अध्याय बताया राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास में, नोटबंदी से 90% जनता को परेशानी हुई ऐसा मायावती का कहना है, इसके अलावा कई लोगों की जान गई, उम्मीद है कि लोगों के खाते में 15 लाख अब आ जाएंगे क्योंकि नोटबंदी से काफी कुछ रिकवर हुआ है, केंद्र ने किया है। मायावती ने कहा कि केंद्र को जनता की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लखनऊ में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और बीजेपी को गरीब विरोधी बताते हुए कई सारे आरोप लगाए, नोटबंदी को फेल बताया, कहा कि जो केंद्र की तैयारियां थी वो काफी नहीं थी इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, फिर भी बीजेपी ने इस फैसले को लागू किया और गरीब जनता की भावनाओं को दरकिनार किया, उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करते हुए बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ रईसों को, अमीरों को फायदा पहुंचाया और आम जनता अपने